कौन बनेगा करोड़पति सीजन 11 का ये आखिरी हफ्ता चल रहा है। इस सीजन के 4 करोड़पति रहे हैं और कई सारे ऐसे कंटेस्टेंट आए हैं जो अपनी छाप इस शो पर छोड़ गए हैं। शो का स्पेशल सेगमेंट कर्मवीर कुछ ऐसे लोगों को हमारे सामने लाया है जिनका समाज में एक महत्वपूर्ण भूमिका है। और कुछ कर्मवीर ऐसे हैं जो खुद की खराब परिस्थितियों से उभर कर आज समाज को नई दिशा दे रहे हैं। ऐसे ही शो के आखिरी हफ्ते में लास्ट एपिसोड में जो कर्मवीर आ रही हैं वो कमाल की शख्सियत है। इतनी कमाल की कि अमिताभ बच्चन पैर छूकर उनका स्वागत कर रहे हैं। इस महिला का नाम पद्मश्री सुधा कृष्णमूर्ति है और ये इन्फोसिस फाउंडेशन की कर्ता धर्ता होने के साथ एक समाज सेविका भी है। आज वो जिस मुकाम तक हैं वहाँ पहुँचने के लिए सुधा जी ने कई स्थितियों का सामना किया है। तो चलिए आपको बताते हैं उनकी पूरी कहानी। 19 अगस्त 1950 को शिगोन कर्नाटक में एक मराठी परिवार में जन्मी सुधा के पिता डॉक्टर आर एच कुलकर्णी प्रसिद्ध सर्जन थे। सुधा को बचपन से ही पढ़ने का बहुत शौक था। वो बचपन से ही पढ़ाई में अव्वल थीं। उन्होंने तकनीक के साथ लेखन और समाज सेवा के काम किए। सुधा कृष्णमूर्ति ने कई पटकथाएँ भी लिखी हैं। उनकी शैक्षणिक योग्यता की बात की जाए तो उन्होंने बीए इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर की पढ़ाई बीवीबी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी से की है। फिर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस से कंप्यूटर साइंस से एमई की परीक्षा पास की। दोनों परीक्षाओं में सुधा को प्रथम स्थान मिलने पर गोल्ड मेडल भी प्रदान किया गया। सुधा कृष्णमूर्ति के इंजीनियरिंग करने के पीछे भी एक कहानी है। जब उन्होंने इंजीनियरिंग करने की सोची तब सबने ये कहा कि अगर इंजीनियरिंग करूंगी तो कोई भी लड़का तुमसे शादी नहीं करेगा, लेकिन सुधा नहीं मानी। उनकी परेशानी यहीं ख़त्म नहीं हुई। जब वो कॉलेज में एडमिशन लेने गए तब प्रिंसिपल ने कहा कि तुम्हारे मार्क्स अच्छे हैं तो तुम्हें एडमिशन तो देना ही पड़ेगा। लेकिन परेशानी ये थी कि जिस कॉलेज में सुधा को एडमिशन लेना था वहाँ 599 लड़के पढ़ते थे और सुधा एक अकेली लड़की थी। प्रिंसिपल ने सुधा के सामने 3 शर्त रखी कि उन्हें लड़कों से बात नहीं करना है, दूसरी साड़ी पहनकर आना है और तीसरी शर्त थी कि कैंटीन में नहीं जाना है। सुधा ने सारी बातें मान ली और साल भर पढ़ाई करने के बाद उनकी पूरे कॉलेज में पहली रैंक आई। सुधा और नारायण मूर्ति एक आदर्श पति पत्नी के रूप में जाने जाते हैं। इन दोनों के मिलने की कहानी भी बड़ी रोचक है। इनकी पहली मुलाकात इनके मित्र प्रसन्न ने पुणे में करवाई थी। उस समय सुधा प्रसन्न से जो किताबें पढ़ने के लिए लेती थी उनमें नारायण का नाम लिखा रहता था, जिसकी वजह से सुधा के मन में नारायण की एक अलग छवि बन गई थी। पहली मुलाकात के बाद सुधा को पता चला कि नारायण के बारे में उन्होंने जैसा सोचा था वो उसके बिल्कुल अपोजिट है। कुछ दिनों बाद सुधा के दोस्तों ने पुणे के ग्रीनफील्ड होटल में रुकने का प्लान बनाया। वहाँ नारायण सुधा से मिलना चाहते थे लेकिन अकेले उनसे मुलाकात संभव नहीं थी। अगले दिन जब सुधा दर्जी के पास पहुंची तो नारायण उनका वहां पहले से इंतज़ार कर रहे थे। इसके बाद दोनों में दोस्ती हो गई और दोनों मिलने लगे। सुधा ने ये बात अपने पिता को बताई। पिता ने नारायण से बात करने की सोची और उन्हें एक रेस्टोरेंट में मिलने के लिए बुलाया। नारायण समय पर नहीं पहुंचे तो सुधा के पिता ने कहा कि मैं अपनी बेटी का हाथ उस इंसान को कैसे सौंप दूं जो पहली मीटिंग में समय पर नहीं आ सकता। करीब 2 घंटे की देरी से नारायण वहां पहुंचे। सुधा के पिता ने नारायण से पूछा कि क्या करते हो या क्या करना चाहते हो, तो उन्होंने बताया कि मैं कम्युनिस्ट पार्टी का नेता बनना चाहता हूं और एक अनाथालय खोलने की इच्छा रखता हूं। ये सुनकर सुधा के पिता ने कहा कि मैं ऐसे इंसान से कतई अपनी बेटी की शादी नहीं करूंगा जो कम्युनिस्ट पार्टी का नेता बनना चाहता है और एक अनाथालय खोलना चाहता है। इस घटना के बाद सुधा और नारायण एक दूसरे से मिलते रहे। तब नारायण कुछ नौकरी नहीं करते थे। 1970 के अंत में नारायण ने पार्टी कंप्यूटर्स पुणे में असिस्टेंट मैनेजर की नौकरी कर ली तो सुधा के पिता भी शादी के लिए राजी हो गए और सुधा और नारायण की शादी 1978 में हो गई। इसके बाद नौकरी के सिलसिले में नारायण को अमेरिका जाना पड़ा, जहां 2-3 महीने तक रहे। और 1981 में जब नारायण नौकरी छोड़कर खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते थे तो सुधा पहले उनके पक्ष में नहीं थी, लेकिन फिर सुधा ने उनका साथ दिया क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि नारायण के सपने खत्म हों। इसके बाद उन्होंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर पुणे में इन्फोसिस की शुरुआत की और 1983 में MICO बेंगलोर के तौर पर इन्फोसिस को अपना पहला क्लाइंट मिला और यहीं से शुरू हुई इनकी सफलता की कहानी। सुधा मूर्ति और
एनआर नारायण मूर्ति भारतीय बिजनेस वर्ल्ड में खास मुकाम रखते हैं। इन्फोसिस के जरिए नारायण मूर्ति ने भारत के कंप्यूटर सॉफ्टवेयर वर्ल्ड में अपनी अमिट छाप बनाई है। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।